हाय, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बिलीज में किसी सुपरमार्केट के लिए या किराना स्टोर के लिए या कोई भी एफएमसीजी रिटेल या ट्रेडर्स के लिए प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हम अब एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पे एक क्विक लिंक है इन्वेंटरी, जहाँ पे प्रोडक्ट्स करके मेनू है। जनरली प्रोडक्ट्स क्रिएशन परचेज ट्रांजैक्शन करते वक्त शॉर्टकट यूज करके होता है। तो जैसे ही हम प्रोडक्ट्स का मेनू खोलते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग अलग टैब्स मिलते हैं। पहला टैब है प्रोडक्ट्स का, सेकेंड टैब है कैटेगरीज का। कैटेगरीज मतलब एक बाजार में प्रोडक्ट्स को ग्रुप और सब ग्रुप किया जाता है, ताकि हम हमारे इन्वेंट्री को ग्रुप वाइज या सब ग्रुप वाइज देख सके। अगला टैब है ब्रांड्स का। सुपरमार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं, उन ब्रांड्स की लिस्ट यहाँ पे है। हम यहाँ से ब्रांड को क्रिएट कर सकते हैं, जो जनरली परचेज के ट्रांजैक्शन में से हो। नेक्स्ट टैब है यूओएम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर है। बिल्लीज में मल्टी यूओएम भी है, जहाँ पे हम मल्टीपल यूओएम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर है जो शुगर को 50 kg के बैग में भी खरीदता है और बेचता है, और 50 kg बैग में खरीद के लूज में बेचता है। यूएम को एक अलग लेसन में हम अच्छे से समझेंगे, बट जनरली बाजार में चीजों को सिंपल रखने के लिए वो एक ही यूएम यूज करते हैं। अगर कोई शुगर बेचता है केजीज में, भले वो बैग्स में खरीदता हो, पर जो यूनिट में वो बेचता है उसी यूनिट को वो यूज करता है वो प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे टैक्सेस का मास्टर है। ब्रांड्स और कैटेगरीज हम ऑन द रन बनाते हैं। जनरली आप जब सुपरमार्केट के लिए प्रोडक्ट लेते हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मास्टर है, अलॉन्ग विथ बारकोड हम आपको इंपोर्ट करके दे देते हैं, जहाँ से आगे आप उन्हीं प्रोडक्ट से आपकी एंट्री स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड क्लिक किया या अल्ट ए। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है, पर हमें इसमें से एक स्टैंडर्ड यूज करना पड़ता है, और एक टाइप होता है बेस्ट बिफोर यूज बाय डेट। जनरली स्टैंडर्ड ही होता है। बेस्ट बिफोर यूज बाय डेट ये तब यूज किया जाता है जब आपको किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी ट्रैक करनी हो। अगर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप बेचते हो और उसकी एक्सपायरी आपको ट्रैक करनी हो, या ब्रेड या केक, तो आप बेस्ट बिफोर यूज बाय डेट यूज कर सकते हैं। पर जनरली ये एक्सपायरी को फिजिकली मैनेज करते हैं, जैसे कि जो लास्ट परचेज है उसको रैक में पीछे रखना। अब कोई भी एक प्रोडक्ट टाइप आप रेगुलरली यूज करने वाले हो, तो उस प्रोडक्ट के टाइप पे क्लिक करके आप क्लिक सेट एज डिफॉल्ट बोल सकते हो, ताकि हर बार आपको ये सवाल ना पूछा जाए। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड को डिफॉल्ट करके सेट किया हुआ है। अगला फील्ड है प्रोडक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल, हम दो शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल 200 ml, जो भी वो प्रोडक्ट का HSN कोड है वो आप डाल सकते हो। फिर उसका UPC EN कोड, ये कंपनी का जो बारकोड है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं UPC EN या बारकोड। तो यहाँ पे मैं एक कोड को स्कैन कर रहा हूँ। अगला फील्ड है यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे बहुत सारे यूनिट ऑफ मेजर है। जनरली बाजार में हमको लगेगा किलोग्राम्स और पीसेस, तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पीसेस को सेट किया हुआ है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग रूल, अब यहाँ पे तीन इन्वेंट्री ट्रैकिंग रूल्स है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ताकि आप सही इन्वेंट्री ट्रैकिंग रूल को यूज करो। पहला इन्वेंट्री ट्रैकिंग रूल है ट्रैक MRP वाइज क्वांटिटी। तो जहाँ पे कंपनी के पैक गुड्स है, वहां पे MRP चेंज होती रहती है, पर प्रोडक्ट का नाम वही रहता है, और बेचते वक्त हम MRP के हिसाब से सेल करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो 200 ml शैम्पू के दो बॉटल्स है, और दोनों के ऊपर MRP अलग है। कभी कभी बारकोड वही रहता है और MRP चेंज होते रहता है, या कभी कभी बारकोड भी चेंज होते हैं और MRP भी चेंज होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि बीवरेजेस है, स्नैक्स है, पर्सनल केयर लाइक सोप शैम्पू, क्लीनिंग लाइक डिटर्जेंट्स, इनके नाम वही रहते हैं पर MRP बदलती रहती है। अगर इस टाइप का प्रोडक्ट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रैक MRP वाइज क्वांटिटी। सेकेंड कैटेगरी है वन प्राइस फॉर होल क्वांटिटी। इसमें भले प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होती रहती हो, पर हम सेल करते वक्त जो लास्ट प्राइस थी वो प्राइस पे बेचते हैं। इसका एग्जांपल ज्वारी है, या शुगर है, ड्राई फ्रूट्स। तो ये प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं, और बेचते वक्त उसके ऊपर कोई कंपनी की MRP नहीं है, पर बेचते वक्त हम जो लास्ट प्राइस है वो लास्ट प्राइस पे बेचते हैं। इसका मतलब मुझे
बेचते वक्त हमेशा एक ही प्राइस रखनी है पूरे क्वांटिटी के लिए। तो एक एफएमसीजी में ये दो ही टाइप ज्यादा यूज होते हैं, ट्रैक एमआरपी वाइज क्वांटिटी और वन प्राइस फॉर होल क्वांटिटी। तीसरा कैटेगरी है ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस ड्यूरिंग सेल। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को सिस्टम्स जनरेटेड प्राइस नहीं देनी है और सेल करते वक्त वहां पे वो प्राइस पे रुकेगा और मैं मैन्युअली वहां पे प्राइस डालूंगा, जनरली ये बाजार में या रिटेल में नहीं यूज होता है, ये होलसेल में या ट्रेडर्स में यूज होता होगा ताकि वो प्राइस के फ्लक्चुएशंस को इमिडिएटली सिस्टम में अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो वो मैनुअली सेल प्राइस डालते हैं। तो हमारे इस केस में हम लेंगे ट्रैक एमआरपी वाइज क्वांटिटी, क्योंकि ये दो का शैम्पू है और इसका नाम भले वही हो पर प्रोडक्ट का एमआरपी चेंज होते रहे। अब यहाँ पे बारकोड्स भी चेंज होते रहेंगे, उसका मैनेजमेंट मल्टीपल एमआरपी और मल्टीपल बारकोड्स एक अलग सिस्टम हमारे बिलीज में है, जिसको हम एक परचेस एंट्री के लेसन में समझेंगे। अगला फील्ड है परचेस प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्कअप। तो ये आपको ब्लैंक रख दो, क्योंकि ये परचेस एंट्री में जो आप डालोगे वो अपने आप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सिलेक्ट टैक्स एट परचेस, समझो परचेस पे मेरा जीएसटी 12% है और सेल पे 12% है। और अभी नेक्स्ट है ब्रांड। ब्रांड आप यहाँ से क्रिएट करते हो, ब्रांड वाइज डेटा मेंटेन करना बहुत अच्छा है ताकि आप ब्रांड वाइज स्टॉक का परफॉर्मेंस, ब्रांड वाइज स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हो या ब्रांड वाइज रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हो। प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त आप ब्रांड मेंटेन कर सकते हो या आप बाद में भी बल्क अपडेट में प्रोडक्ट के ब्रांड्स को और उसके ग्रुपिंग्स को भी कर सकते हो। तो लेट्स से एग्जांपल मेरा ये ब्रांड है दो, तो दो ऑलरेडी है तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, पर लेट्स से दो सिस्टम में नहीं है तो मैं एक ब्रांड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्लस या अल्ट ए प्रेस करता हूँ। ब्रांड का नाम है दो शैम्पू, प्रिंसिपल कंपनी। सुपर बाजार में बहुत बार कंपनी एक ही होती है और उनके मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो कंपनी का नाम है और उनके बहुत सारे ब्रांड। तो ये मेरा दो है, तो ये हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है, तो ऑलरेडी कंपनी क्रिएटेड है HUL। अगर नहीं है तो आप अल्ट ए क्रिएट करो, या अगर आपको कंपनी वाइज मेंटेन नहीं करना है बोल सकते हो कंपनी नॉट डिफाइंड। तो सिस्टम में एक ब्रांड बन गया और उसके साथ में कंपनी मैप हो गई। अब नेक्स्ट फील्ड है प्रोडक्ट का ग्रुपिंग। अब बाजार में ग्रुपिंग करना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ग्रुप्स है, बीवरेजेस ये ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया उसका, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, बॉटल्ड वाटर। सिमिलरली एक दूसरा ग्रुप हो गया स्नैक्स, ग्रोसरीज का ग्रुप हो गया जिसके अंडर आप ये सब ग्रोसरी में ले सकते हैं। पर्सनल केयर में शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट हो गया। इस तरीके से आप आपके हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो। हम यहाँ पे एक ग्रुप बना रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, तो शैम्पू ऑलरेडी यहाँ पे है और इसका मेन ग्रुप है हेयर के, पर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप बनाता हूँ जिसका नाम है शैम्पू। तो ये सब ग्रुप है और इसका मेन ग्रुप मैं बनाता हूँ पर्सनल केयर। अब कुछ डिपार्टमेंट भी हम मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बड़ा बाजार है और उनके पास क्लोथिंग डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। अगर आपको ये डिपार्टमेंट को मेंटेन नहीं करना, डिपार्टमेंट नॉट असाइंड ऐसा बोल सकते, ये जनरली बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में यूज होता है ताकि वो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। मैं F12 करके आया। अब ये बाकी के फील्ड्स जनरली यूज नहीं होते पर फिर भी आप समझ लो। अलाउ सेल्स, अगर आपको ये प्रोडक्ट का सेल्स बंद करना है सिस्टम में से तो आप सिर्फ डिसअलाउ करो। सेल डिस्काउंट, बाजार में जनरली कोई सेल डिस्काउंट नहीं होता है। मैक्सिमम सेल डिस्काउंट, अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर आप डिस्काउंट देते हो और उसके मैक्सिमम डिस्काउंट को लिमिट करना है। अलाउ परचेस ऑर्डर, मतलब आपको परचेस अलाउ करना है क्या, अगर किसी प्रोडक्ट को आपने बंद कर दिया है आगे से बेचना तो आप अलाउ परचेस ऑर्डर को निकाल दो, तो ये रीऑर्डर में उस आइटम को नहीं कंसीडर करेगा और आपको परचेस की एंट्री करने नहीं देगा। शेल्फ लाइफ, आपने रीपैकिंग किए हुए लेबल्स पे लिखना है कि इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, फॉर एग्जांपल 60 डेज, 90 डेज, तो वो यहाँ पे 60 डेज ऐसा शेल्फ लाइफ लिखेगा। ये सिर्फ प्रिंट करने के लिए है, इसकी कहीं पर भी कोई भी ट्रैकिंग नहीं होती। प्रेफर्ड सप्लायर, अगर आपको हमेशा ये प्रोडक्ट किसी एक सप्लायर से बाय करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। रीऑर्डर पॉइंट, ये रीऑर्डरिंग में यूज होता है। आप बाजार में जब रीऑर्डर करते हो
तो सिस्टम ऑटोमेटिक रीऑर्डर निकाल के देता है और उसका एक रीऑर्डर का अलग से लेसन है, तो हम यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे। अलाउ ऑनलाइन सेल्स, अगर आपने वेब स्टोर रखा है, होम डिलीवरी देते हो, बिल्लीज का ई कॉमर्स फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो, तो आपको कौन से प्रोडक्ट को ऑनलाइन रखना है और कौन से नहीं रखना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और ऑनलाइन की प्राइस क्या है, अगर आपकी सेल्स प्राइस और ऑनलाइन प्राइस सेम रहने वाली है तो आप इसको जीरो रखो, और अगर आपकी ऑनलाइन की प्राइस अलग है तो आपको यहाँ पे डिफाइन, ये भी आप बल्क अपडेट में से कर सकते हो। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसको बिल पे प्रिंट करना है तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते। जनरली बाजार में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी यूज नहीं होता है क्योंकि उसका नाम इटसेल्फ बताता है कि वो क्या है। कुछ बाजार लोग लोकल लैंग्वेज में कस्टमर को बिल पे प्रिंट देना चाहते। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे शॉपकीपर्स को बिल पे मराठी में प्रिंट करना, तो सिस्टम में हम अलग लैंग्वेज इंस्टॉल करके दूसरे लैंग्वेज में भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हो और वो इनवॉइस पे प्रिंट कर। वेट इन केजी, ये भी सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है। एनेबल वेइंग स्केल, ये तब यूज करना है जब आप चाहते हो कि सिस्टम आइटम सिलेक्ट करने के बाद वहां पे रुक जाए और आप जब वेट डालोगे तभी आगे जाए। ये जनरली लूज प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप गेहूं बेच रहे हो तो सिस्टम वहां पे रुक जाएगा ये पूछने के लिए कि आपका कितना केजीज है। अब एक और प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट का नेम है शुगर मीडियम लूज, इसका यूएम है केजीज, इन्वेंट्री रूल है वन प्राइस पर होल क्वांटिटी, टैक्स है, ब्रांड है नॉट असाइंड, कैटेगरी है शुगर अंडर ग्रोसरी, और यहाँ पे मैं इनेबल वेइंग स्केल को ऑन करूँ। अब हम ये देखेंगे कि परचेज बिल में अगर मुझे बल्क में प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है तो एक ही प्रोडक्ट को कॉपी करके हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट करें। तो मैं परचेज बिल में गया, ये बेसिक हेडर को मैंने फिल कर दिया। अब दो शैम्पू ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, अब मेरे पास सेम शैम्पू 100 ml में भी आया, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अल्टर सी प्रेस करता हूँ तो ये प्रोडक्ट कॉपी हो जाता है। उसका नाम मैं लिखता हूँ दो शैम्पू हेयर कंट्रोल 100 ml, तो एक प्रोडक्ट क्रिएट हो। सिमिलरली मेरे पास एक और प्रोडक्ट आया है देव शैम्पू अल्सी दो शैम्पू, तो आप परचेस एंट्री में एक ही प्रोडक्ट को कॉपी करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते। अब मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाना है, अल्सी कर दिया शुगर लार्ज 50 kg बैग, ये मेरे पास 5 backpack आया है। तो इस तरीके से आप एक ही प्रोडक्ट को कॉपी करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ परचेस एंट्री। परचेस एंट्री का हमने एक अलग से लेसन बनाया है। अब ये देखते हैं कि जब हम एनेबल वेइंग स्केल बोलते हैं तो वेइंग स्केल तीन तरीके की होती है, एक होता है कंप्यूटर कनेक्टेड वेइंग स्केल, एक होता है रिमोट वेइंग स्केल जो आपने डीमार्ट में वगैरह देखा होगा जहां से वेइंग स्केल ही आपको एक बारकोड प्रिंट करके देता है जिसको आप सिस्टम में स्कैन करते हो, और तीसरा होता है मैनुअल वेइंग स्केल, मतलब आप मैनुअली वहां पे वेट डालते। तो हमारे इस केस में हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं 10 आइटम्स का बिल बना रहा हूँ और बारकोड स्कैन कर रहा हूँ तो जब मैं शुगर सिलेक्ट करूँ वो वहाँ पे रुक जाए और मुझे पूछे कि आपका वेट कितना, तो मैंने यहाँ पे डाला कि समझो 5 kg। तो इस लेसन में मुझे ये दिखाना था स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रैक MRP वाइज क्वांटिटी कब यूज करना है और वन प्राइस फॉर होल क्वांटिटी कब यूज करना है, एक प्रोडक्ट क्रिएशन स्क्रीन में क्या क्या फील्ड्स होती हो। थैंक यू।